हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 10 रेशियो एनालिसिस का लास्ट पार्ट बना रहे हैं। इस वीडियो के बाद, इस पार्ट के बाद हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसका लास्ट पार्ट होगा, पार्ट 3। तो इसमें हम पूरे चैप्टर को कम्प्लीट करेंगे अपने लास्ट टॉपिक तक। तो अपना हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आए हो अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले पूरे देख लिए, उसी के बाद आप ये लास्ट पार्ट देख रहे हैं, क्योंकि पहले वो समझना, उसी के बाद ये आप यहाँ पे समझ पाएंगे। तो अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अब हम स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला है यहाँ पे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। और इसकी डेफिनेशन दे रखी है, हायर द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेटर इज द फर्म एबिलिटी टू मीट इट्स इंटरेस्ट बर्डन। द लेंडर्स यूज दिस रेशियो टू असेट डेप्ट सर्विसिंग कैपेसिटी ऑफ अ फर्म। तो यहाँ पे मैं क्या दे रखा है, ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन नहीं है, वैसे बता रखा है कि हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम क्यों यूज करते हैं, क्या मतलब है इसका। तो आप देखो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट तो हमें पता है ब्याज, कवरेज का मतलब होता है कैपेसिटी, और रेशियो तो जो हमें निकालना ही है पूरे चैप्टर में, बस रेशियो ही निकालते रहे। तो हमारा जो है कंपनी जो है, जब वो क्या करती है, एक कंपनी स्टार्ट होती है तो वो ऐसा तो है नहीं ना कि सारा अपना ही पैसा लगाती है, अपने ही बलबूते पूरे साल मतलब जिंदगी चलती रहेगी। वो क्या करती है, वो थोड़ा सा उधार भी लेती है। तो अब जब वो उधार लेती है, कंपनी जो उसकी लाइबिलिटी है, जब वो डेप्ट लेती है, तो डेप्ट लेने के बाद उसे क्या करना होता है, उधार चुकाना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। और जिससे उसने इंटरेस्ट लिया, जिससे उसने लोन लिया है ना, उन लोगों को उसे क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट वापस पे बैक करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे हमें यही दे रखा है कि जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, इससे हमें क्या समझ में आएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से हमें यह पता करना है कि जो कंपनी है, क्या वो इतनी कैपेबल है कि वो अपने डेब्ट्स का इंटरेस्ट वापस पे कर सके। तो वो मैं आपको यहाँ पे देखो समझाती हूँ। ये देखो, यहां से हमें समझना है कि इंटरेस्ट कवरेज, COVERAGE कवरेज रेशियो, यही हमें समझना है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हम क्या पता करते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें, ये ऊपर वाली चीज को थोड़ा सा निगलेक्ट कर देना जो मेरी कॉपी में लिखी हुई है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी कि जो पैसा हम इंटरेस्ट पे करने से पहले और टैक्स पे करने से पहले कमा रहे हैं, वो पैसा हम लेंगे और डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट हमारा कितना जा रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि अर्निंग बिफोर टैक्स, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसे EBIT भी बोलते हैं, है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा हो गया, और डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे मैं दे रखा है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम इस तरह से निकालते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर एक कंपनी है वो कितना कमाती है, अगर वो एक साल में 10 करोड़ रुपए कमा रही है ना, और उसने जो मतलब उसने जो लोन लिया है उसका वो इंटरेस्ट पूरे साल में कितना पे करती है, अगर वो 2 करोड़ क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है पूरे एक साल में, वो पूरे साल में 10 करोड़ कमा रही है और 2 करोड़ का उसमें से क्या दे रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। अब यानी कि यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि वो जो पैसा कमा रही है ना, मतलब जो उसका इंटरेस्ट है उससे 5 गुना ज्यादा वो क्या कर रही है, कमा रही है। यानी कि जो उसका इंटरेस्ट है 2 करोड़ का क्या है, उसका इंटरेस्ट है, तो इसका 5 गुना क्या है, वो कंपनी कमा रही है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी काफी ग्रो कर रही है और वो इतनी कैपेबल है कि अपना इंटरेस्ट पे कर सके। अब जब वो 2 करोड़ का क्या कर रही है, 5 गुना कमा रही है, यानी कि वो 10 करोड़ कमा रही है, तो ऑब्वियसली बात है वो 2 करोड़ का लोन मतलब जो अपना इंटरेस्ट है वो भी पे कर सकती है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से हमें यही पता चलता है कि जो वो इंटरेस्ट जो उसकी कमाई है ना, जो उसकी अर्निंग्स है, क्या वो इतनी कैपेबल है कि वो उन अर्निंग को यूज करके क्या कर सके, इंटरेस्ट पे कर सके। तो जितना ज्यादा हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, कंपनी में कैपेसिटी होगी, इतनी कैपेबल होगी कंपनी कि वो क्या कर सके, हमारा इंटरेस्ट पे कर सके। तो ये हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, ये भी इसी की तरह, बस थोड़ा सा हमें इसमें डीप में जाना पड़ेगा। डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो DSCR इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड एप्ट
टू कंप्यूट डेप्ट सर्विस कैपेसिटी ऑफ अ फर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कैलकुलेट द एवरेज DSCR फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच द टर्म लोन फॉर द प्रोजेक्ट इज रीपेबल द डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो इज डिफाइंड एज फॉलो। देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है कि डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो क्या है, एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी कि जैसे हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ना उसी में क्या है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा डीप में, उसमें ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हमारा डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो है। तो अब देखो जब हमने कंपनी ने क्या लिया, लोन लिया, अब ऑब्वियस सी बात है कि उसने लोन लिया, उसने डेप्ट लिया, तभी तो वो इंटरेस्ट दे रही है ना। तो अब जब उस कंपनी ने डेप्ट लिया है ना, तो डेप्ट कवरेज रेशो अब हम कैसे निकालेंगे, डेप्ट कवरेज रेशो निकालने के लिए हमारे जितने भी टाइप के, यहाँ पे पहले पढ़ लेता हूँ उसके बाद बताती हूँ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डेप्रिसिएशन, नॉन अदर कैश एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन का मतलब है कि जो ब्याज हम दे रहे हैं ना, जो हमने लोन लिया है उसके ऊपर जो हम ब्याज दे रहे हैं, यहाँ पे उस अमाउंट की बात हो रही है कि समझो अगर हमने 2 करोड़ रुपए लिए हैं और उसका ब्याज हम क्या दे रहे हैं, उसका ब्याज अगर हम 10 लाख रुपए दे रहे हैं तो उस 10 लाख रुपए की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास जो हमने कर्ज लिया है, जो हमारी लायबिलिटी है, जो हमने डेप्ट लिया है, अब उसको क्या कंपनी पे कर सकती है। कि अगर देखो जैसे मैंने आपको बताया ये दोनों चीजें आपस में ही इंटरलिंक्ड है कि अगर कंपनी ने क्या लिया, कर्जा लिया है, तो क्या वो उस कर्जे को चुकाने के कैपेबल है ना। और तो वही क्या हम करते हैं, वही हम डेप्ट कवरेज रेशियो में यहाँ पे निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो हमारी कंपनी है उसने टैक्स के बाद कितना प्रॉफिट कमाया, वो डेप्रिसिएशन, नॉन अदर कैश एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, यानी कि जो हमारा ब्याज है वो। अब इस सारी अमाउंट को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर दें इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट है, जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट पे हमारा इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है ना, जैसे मैंने अभी बताया था कि जैसे हमारा 2 करोड़ अगर हम लेते हैं और उस पर 10 लाख का अगर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो 10 लाख रुपये यहाँ पे, और रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन यानी कि कितना हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो, तो वो यहाँ पे हमें क्या करना है, आपस में डिवाइड करना है। तो जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर एक कंपनी के जैसे कि ये सारी चीज़ें अगर मैं ऐड कर दूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डेप्रिसिएशन, नॉन कैश एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, अगर ये सारी चीज़ें अगर हम ऐड कर देते हैं, ये सब हमें किस में मिल जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मिल जाता है। तो अगर मैं इन सबको प्लस कर दूँ और कंपनी के पास क्या आ रहा है, अगर वो आ रहा है 20,000 रुपये, बहुत छोटा एग्जाम्पल दे रही ताकि आपकी समझ में आ जाए, है ना। और उसने जो कर्जा लिया और जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो है कुल मिला के हमारा 15,000 रुपये, है ना। तो अब अगर इसे कैंसिल करेंगे तो 3 0 से 3 0 कट गया, अब देखो ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा 4, 3 1 3 3 1 3.33 और ऐसे कंटिन्यू होता रहता, यानी कि 1.33, अब हम बाहर ही लगा देते हैं 1.333, यानी कि या फिर हम इसे अप्रॉक्स भी कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1.34 times, यानी कि अब यहाँ पे जो है कि कंपनी जो कमा रही है ना, कंपनी कितना कमा रही है, कंपनी 1.3 टाइम्स ज़्यादा कमा रही है जितना उसका डेप्ट है, यानी कि वो डेप्ट पे करने के कैपेबल है, जितना भी उसके पास कर्जा है वो उससे अगर ज़्यादा कमा रही है कंपनी। तो ऑब्वियसली बात है अगर आप पे 10 लाख का कर्जा है और आप 50 लाख कमा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आप उसका पे कर दोगे वापस से। तो वही हमें दे रखा है कि अगर देखो यहाँ पे कंपनी क्या है, 1 point, ये अप्रॉक्स मैंने आपको बताया है ना, APPROX, अब यहाँ पे कंपनी जो है वो 1.34 टाइम्स क्या कर रही है, ज्यादा कमा रही है। तो ऑब्वियसली बात है कि वो जो है वो इतनी कैपेबल है, इतनी कैपेसिटी है, उसके इतना कवरेज है कि वो क्या कर सके, जो उसने डेप्ट लिया है वो उसे वापस रीपे कर सके। तो आई होप आपको इंटरेस्ट कवरेज, इंटरेस्ट में क्या होता है हम इंटरेस्ट पे कर पा रहे हैं या नहीं, और डेप्ट में क्या होता है कि हम डेप्ट पे कर पा रहे हैं या नहीं, तो ये दोनों चीजें जो है आपकी समझ में अच्छे से आ गई होंगी। अब हम अपना देख लेते हैं प्रॉफिटेबल रेशियोज। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रॉफिटेबल एंड ऑपरेटिंग मैनेजमेंट एफिशिएंसी ऑफ अ फर्म इज जज्ड मेनली बाय द फॉलोइंग प्रॉफिटेबल रेशियोज। तो प्रॉफिटेबल रेशियोज का मतलब होता है कि जब भी कोई इंसान इन्वेस्ट कर रहा है, ये सारी जो टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मैं क्यों बता रही हूँ कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कि अगर हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो कंपनी कहीं ऐसी तो नहीं है ना कि जो बहुत कम कमा रही है और अपने कर्जे ही नहीं चुका पा रही है, तो हमें क्या इंटरेस्ट देगी वो कंपनी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें इन्वेस्ट करते टाइम पे याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो प्रॉफिटेबल रेशियोज है कि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कौन कौन से रेशियोज जो है वो ध्यान में रखने, वैसे तो सारे रेशियो ध्यान में रखना है, बट यहाँ पे दे रखा है कि अगर हमें प्रॉफिट कमाना है तो हमें कौन कौन से प्रॉफिटेबल रेशियोज के बारे में ध्यान में रखना है। तो पहला दिया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल,
अगर आप सीधा सीधा समझो तो ग्रॉस का मतलब होता है हमारा टोटल प्रॉफिट रेशियो, यानी कि अगर एक कंपनी है उसने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया, पूरा टोटल प्रॉफिट। अभी इसमें हमने टैक्स वैक्स कुछ नहीं दिया है, ना हमने कोई इंटरेस्ट भी किया है, उसने टोटल पूरा प्रॉफिट कितना कमाया, हम डायरेक्ट उसकी बात कर रहे हैं। तो जो हमारा टोटल प्रॉफिट जो हम देखते हैं ना, वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में आता है। तो अब यहाँ पे क्या देखा है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स, और यहाँ पे स्टार यहाँ पे 100, इसका मतलब है कि ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय में 100, ये स्टार का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है। अब देखो कि हम परसेंटेज निकाले तो ऑब्वियस सी बात है 100 से तो मल्टीप्लाई हम करेंगे ही करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट तो मैंने आपको समझा दिया कि हमारा टोटल प्रॉफिट, नेट सेल्स, अब अगर आपको नहीं पता है तो मैं दोबारा बता रही हूँ, मैंने पहले भी बता रखा है अपनी वीडियोज में, नेट सेल्स का मतलब होता है, नेट सेल का मतलब है कि अगर हमने जैसे 100, अगर हमने क्या किया, अगर हमने अपना कोई प्रोडक्ट है, अब हमने उसे 1000, हमने क्या करा, वो हमने क्या किया, अगर वो 10 प्रोडक्ट हैं और मैंने वो 100 रुपये में बेच दिए, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास क्या है, मेरे पास 10 प्रोडक्ट हैं और एक की प्राइस 10 रुपये है, यानी कि अगर मैं 10, एक प्रोडक्ट की प्राइस है 10 रुपये और मैं 10 प्रोडक्ट बेच रही हूँ, तो यानी कि 100 रुपये मैंने क्या करी, 100 रुपये की मैंने सेल्स करी। अब अगर इन 10 प्रोडक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट या कोई दो प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, खराब आ जाते हैं, और वो मेरे से कहते हैं कि ये तो आपने हमें गलत प्रोडक्ट देते हैं, हम इसे नहीं रखेंगे, तो आपको ये वापस अपने पास लेना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से तो सेल्स क्या हुई थी, 100 रुपये की हुई थी, लेकिन वो वापस क्या आ गए, 200 रुपये के जो जो 20 रुपये के जो प्रोडक्ट थे वो मेरे पास वापस आ गए, है ना। तो उससे क्या हुआ, अब मेरी सेल्स कितने की हुई, अब मेरी सेल्स हुई 80 रुपये की। तो वही हमें यहाँ पे नेट सेल्स दे रखा है कि ये नहीं कि टोटल जितना गया उतना कितना है, नहीं, उसमें से रियलिटी में हमारी सेल्स कितने की हुई है, वैसे तो 100 रुपये किए गए थे लेकिन 20 रुपये हमारे वापस भी तो आ गए, 20 रुपये का प्रोडक्ट वापस भी तो आ गया ना, शायद वो टूट गया हो या फिर वो खराब निकला हो, तो इसलिए उन्होंने नहीं रखा और वापस दे दिया। तो नेट सेल्स हमारी वो सेल्स होती है कि जो हमें पूरा यही बताएं कि हमारी टोटल रियलिटी में सेल्स कितनी हुई हैं। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं कहूँ कि कोई कंपनी है जिसने क्या किया, उसने 1000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, और उसकी नेट सेल्स हुई कितनी, उसकी नेट सेल्स हुई है 50 रुपये की, है ना, चलो ये 50 है ना, 50 रुपये का डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखो 5 × 5 = 20 सा, अब ये आ गए यहाँ पे 2000%। ये वैसे छोटा सा एग्जांपल था, अब मैं 50 नहीं है, पे 500 रख लेती हूँ, क्योंकि जो नेट से जब बस 50 रुपये की दूंगी ना, तो देखो 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे देखो ये सिर्फ हो गया जाएगा 2 और ये हो गया यहाँ पे 200%, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 200% का हुआ। अभी मैंने क्योंकि सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि हमने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, हमने 500 रुपये की सेल्स करी और प्रॉफिट उस पर हमने 1000 रुपये का कमाया और मल्टीप्लाई बाय 100 = 200 आ गया। ऐसे ही जो हमारा बुक के पीछे जो एग्जांपल दे रखा है वो अगर आप देखोगे ना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, तो उसमें क्या दे रखा है कि अगर हमारा प्रॉफिट क्या होता है, अगर हमारा प्रॉफिट होता है 16 रुपये का, है ना, और हमारी जो सेल्स है वो है 105 रुपए की, और मल्टीप्लाई बाय अगर हम उसे 100 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, तो हमारा आंसर आता है 15.24%। इस सबको कैंसिल करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 15.24%, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट, वो हुआ है 15.24% का। रियलिटी में कुछ ऐसा मतलब इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि ना रियलिटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिकली हम करते हैं, तो बहुत जगह पर हमारा क्या होता है, खर्चा होता है, तो इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट होता है कि टोटल हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, ये हमें परसेंटेज में निकाल लिया कि अगर हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, फिर हमारी सेल्स कितनी हुई और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेट प्रॉफिट रेशियो देखो, अब जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, अब ऐसे ही हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो है। नेट प्रॉफिट रेशियो में क्या होता है कि यहाँ तो हमने टोटल प्रॉफिट देख लिया कि टोटल कितना हुआ, नेट प्रॉफिट रेशियो में हम क्या देखेंगे, नेट प्रॉफिट रेशियो में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने प्रॉफिट कमाया है ना, तो उसमें क्या आ जाएगा, जैसे अगर हमने ग्रॉस प्रॉफिट में जो हमने टोटल प्रॉफिट कमाया है वो हमारा ग्रॉस में आ गया, कि हमने जैसे 15.24% का हमने क्या किया, प्रॉफिट कमाया। लेकिन नेट प्रॉफिट रेशियो में क्या आएगा, अभी जो हमने जैसे अगर हमने सेल्स करी हमने 200 रुपये की अगर हमने सेल्स करी है, तो सेल्स में क्या होगा कि हमने क्या प्रोडक्ट लाए हम और हमने उसका क्या बना के बेच दिया, तो वो आ गया हमारे सेल्स में कि समझो हमने 100 रुपये का हम प्रोडक्ट लाए और उसमें हमने उसे मैन्युफैक्चर किया 100 रुपये में, सॉरी अगर हम 100 रुपये का प्रोडक्ट हमने क्या किया मैन्युफैक्चर किया और हमने क्या किया उसे 200 रुपये में बेचा, तो 100 रुपये का तो वो प्रोडक्ट था, फिर मैन्युफैक्चर करके हमने उस पर 200 का बेचा, यानी कि हमने 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो वो होती है हमारी सेल्स।
अब जो है जब हमने सेल करी तो उसमें कुछ जब हमने उस प्रोडक्ट को बनाया तो वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी गया होगा, क्योंकि वो अब हवा में तो बन नहीं रहे ना, शायद वो उसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा हो तो वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया। और फिर अगर हम उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या इधर उधर कहीं पहुँचा रहे हैं तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा। तो इस तरह के जो कॉस्ट है ना, इस तरह का जो हमारे सेल्स के अंदर ही, यानी कि हम वैसे तो देखा जाए तो ये नहीं दिख रहा है कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया तो उसके अंदर तो नहीं दिख रहा कि हमने कहाँ इलेक्ट्रिसिटी लगाई है, कहाँ हमने से ट्रांसपोर्ट किया, उसका पैसा हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वो पैसा भी तो हमने लगाया है ना। तो अब वो जो ऐसे हमने अगर हमने क्या किया था, हमने 105 रुपए की सेल्स करी थी, और अगर उसमें से क्या किया, अगर हमने 100 रुपए से ज्यादा हो गया, अगर हमने 105 की सेल्स करी है और उसमें से 60 रुपए क्या है हमारा खर्चा हुआ ट्रांसपोर्ट में और इलेक्ट्रिसिटी बिल में और बाकी जो हमारे खर्चे हैं उनमें, तो अब यहाँ पे देखो तो हमारी जो नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट पेज में, यानी जो मेरा लास्ट पेज में आंसर दिया है उसमें क्या दे रखा है कि अगर हमारा नेट प्रॉफिट कितने का हुआ, अगर हमारा नेट प्रॉफिट होता है 9 रुपए का, है ना, और जो हमारी नेट सेल्स है वो होती है 105 रुपए की, और इसे मल्टीप्लाई करता है 100 से, और फिर जब इसे काटा पीटी करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ पे 8.57%। तो यही हमें दिखा रखा है कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो तो 15.24% का है, क्योंकि उस पर जो हमारा प्रॉफिट है, जो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट है वो 16 रुपए का है, लेकिन नेट प्रॉफिट में क्या आया, नेट प्रॉफिट में आया कि उसमें जो हमारे जो खर्चे हमें नहीं दिख रहे हैं उन्हें भी तो हमें काटना है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। अब वो थोड़ी ना कोई मकान मालिक वो थोड़ी ना कोई बिजनेसमैन अपनी जेब से पे करेगा, वो भी उसमें से काटेगा जो प्रोडक्ट दे रहा है। अगर उसने 100-200 रुपए में प्रोडक्ट बेचा है तो उसमें से उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी काटा होगा अपना, कि यार मैं प्रोडक्ट बना के दे रहा हूँ तो मैं क्यों इस सब इलेक्ट्रिसिटी बिल और ये फालतू के खर्चे जो मैं ट्रांसपोर्ट में दे रहा हूँ मैं क्यों अपनी तरफ से पे करूँ। तो इसलिए अगर वो 100 रुपए का प्रोडक्ट उसने 200 में बेचा है ना, तो उसमें कुछ उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी गया होगा, है ना। तो जैसे अगर हमने क्या था, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट था 16 रुपए का, लेकिन यहाँ कितने का हुआ, यहाँ हुआ सिर्फ 9 रुपए का, क्योंकि 16 में से अगर हम 9 काटे तो देखो ये 15 और एक 16, 16 में से यहाँ पे 9 चलेगा तो 6 और 7, 7 रुपए का शायद उस पर ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी बिल और तरह के जो हमारे जो खर्चे हैं वो सब उसने उसमें से काटे होंगे। तो वही हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो में आ जाता है कि नेट प्रॉफिट यानी कि हमारा जो प्रॉफिट, जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, उसमें से कितना हमारा जो है बाकी का जो अलग खर्चा है वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारा जैसे नेट प्रॉफिट आ गया 9 रुपए, और नेट सेल्स हमारी 105 रुपए की थी, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, कटापिटी करेंगे तो 8.75% यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आपको ये दोनों चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब देखो नहीं आई है तो प्लीज दोबारा से रिवाइंड करके पीछे देख लेना। अब देखो, सम ऑफ द प्रॉफिटेबल रेशियोज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट आर, अब जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रॉफिटेबल रेशियोज यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहला दिया है, मतलब तीसरा दिया है, रिटर्न ऑन टोटल असेट्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो हमारा टोटल असेट्स है ना, अब कंपनी के पास असेट्स तो होते ही हैं, सीधी सीधी बात है, तो अब जो उसके पास टोटल असेट्स हैं कंपनी के पास, अब उस पर उसे कितना रिटर्न मिल रहा है, कि मतलब वो कंपनी जो है अपने असेट्स को यूज़ करने के बाद कितना रिटर्न उन पर कमा पा रही है। अगर वो अपने असेट्स को यूज़ कर रही है तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट वो उन असेट्स पे ले पा रही है, कि अगर उसने 1000 रुपये के असेट्स लगाए तो कितना प्रॉफिट उसे वापस में मिल रहा है, तो वो हम यहाँ इसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, जैसे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स, यहाँ पे हम इसे सीधा सीधा टोटल असेट्स भी बोल सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो मैं यहाँ पे अपनी कॉपी में लिख के दिखा देती हूँ आपको। यहाँ अगर मैं आपको कहती हूँ कि अगर जैसे हमारा क्या दे रखा था हमें कि रिटर्न ऑन टोटल असेट्स अपॉन में क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, तो यहाँ अगर मैं आपको दूं कि रिटर्न ऑन क्या हमारा टोटल असेट, रिटर्न ऑन टोटल असेट इज इक्वल टू, पहला मेरा प्रॉफिट आएगा बिफोर टैक्स, तो अगर मैं कहूँ कि हमने जो प्रॉफिट कमाया वो 5000 रुपए का कमाया, ठीक है, और उसके बाद जो हमारे टोटल असेट्स हैं, अब देखो मैं टोटल असेट्स की बोली, क्योंकि जो हमारे फिक्स्ड असेट है वो और करंट असेट्स मिला के क्या जाता है हमारे टोटल असेट्स आ जाता है, तो वो अगर मैं करूँ तो वो अगर हमारे आ रहे हैं 15000 रुपए, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और 15, तो 0.0 यहाँ पे आ जाएगा, 3 जा 45 फिर 5 फिर 0 3 जा 45, तो यहाँ पे ऐसा कैरी ऑन होता रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे 0.33 की, तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 33%। तो यानी कि जो हमारे टोटल असेट्स हैं उस पे हम कितना बेनिफिट, कितना रिटर्न हम कमा रहे हैं,
तो वही हमारा क्या जाता है, हमारा टोटल असेट्स रिटर्न आ जाता है। तो अब जैसे यहाँ पे हमारा क्या आया कि जो हमारा टोटल असेट्स था उसमें हमने क्या कमाया, 33% का रिटर्न कमाया। तो वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा रिटर्न ऑन टोटल असेट्स, जितने असेट्स हैं उसका ये फॉर्मूला यहाँ पे हमें अप्लाई करना है कि हमारा जो प्रॉफिट आया वो बिफोर टैक्स और फिर जो हमारे टोटल असेट्स है वो अगर हमने डिवाइड करेंगे तो हम कितना रिटर्न जो है अपने असेट्स पर कमा पा रहे हैं, कितना जो कंपनी है वो अपने असेट्स पे प्रॉफिट कमा पा रही है, तो वो हमारा आ जाएगा रिटर्न ऑन टोटल असेट्स पे। अब अपना आगे देख लेते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो कैपिटल का मतलब होता है हमारा जो हम मनी यूज कर रहे हैं, जो हमारा फंड है ना, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है यानी कि जो हम कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, कंपनी कितना पैसा लगा के कितना प्रॉफिट कमा रही है, यानी कि कंपनी ने, अब ऐसा तो है ना कि सारा का सारा पैसा आज ही लगा देगी, तो कंपनी जितना भी पैसा लगा रही है तो उस पैसे पे वो कितना रिटर्न कमा रही है, तो वो होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड को हम कैसे निकालते हैं, पहले तो हम वो समझ लेते हैं। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, देखो यहाँ पे दे रखा है हमें, हेयर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। सीधा सीधा हम कह सकते हैं फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल असेट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टोटल असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो वो यहाँ पे हमारा आ गया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, यानी कि हमारे जितने भी असेट्स हैं हमारे पास कंपनी के पास, उसमें से लाइबिलिटीज को अगर हम माइनस कर दें तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास आ जाता है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हम कितना पैसा लगा के कितना रिटर्न कमा रही है कंपनी, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि अगर हम क्या निकाल रहे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम निकाल रहे हैं, तो हमारे पास होना चाहिए नेट प्रॉफिट अपॉन में टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। तो अब अगर मैं आपको नेट प्रॉफिट का एग्जांपल दूं, तो आरसीई की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, अगर मैं आपको कहूं कि हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है कितने का दूं मैं, अगर आपको हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है जैसे अगर हमारा प्रॉफिट हुआ जैसे कि 10 करोड़ रुपए का, है ना, और हमारे जो है हमें क्या करना है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है हमें। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है कि जो हमारे असेट्स हैं टोटल असेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटीज। तो अगर मैं कहूँ कि हमारे टोटल असेट्स तो हमारे पास 60 करोड़ के, और जो हमारी करंट लाइबिलिटीज हैं वो है 20 करोड़ की, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारी 40 करोड़ आ जाएगा। तो यानी कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के आगे हमारी 40 करोड़ आ गई, तो डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 और 4 0.0, तो 2 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 2 8 फिर बचेगा 2 यहाँ पे, फिर 0 लगेगा, 4 5 20, यानी कि अब हम 0.25 की परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 25%, यानी कि जो कंपनी है वो जितना भी पैसा लगा रही है तो उस पर कितना का रिटर्न कमा रही है, 25% का क्या कर रही है, रिटर्न वो यहाँ पे अर्न कर रही है। अब यानी कि ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्ट्रांग फाइनेंशियल कंपनी है, यानी कि काफी स्ट्रांग है ये कंपनी, क्योंकि जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है ना वो 15% से तो ज्यादा ही होना चाहिए, 15% से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका 25% आ रहा है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है वैसे तो, लेकिन जो है अगर जो आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो कितना पैसा लगा के कितना रिटर्न कमा रही है, तो ये जो रेशियो है ना वो उसका कम से कम 15% से तो 15% या उससे ज्यादा ही होना चाहिए, अगर कम होता है तो वो इतनी स्ट्रांग और इतनी अच्छी कंपनी नहीं मानी जाती है इन्वेस्टर्स के लिए। मतलब अगर फिर भी उसमें ऐसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता होता है, जिन्हें पता होता है वो ऐसी ही कंपनी ढूंढते हैं जिन पे 15% से ज्यादा का ही क्या हो, कैपिटल एम्प्लॉयड हो। सिर्फ एक फैक्टर देख के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिन्हें देख के हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब देखो आई होप आपको टोटल असेट्स का रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड का रिटर्न समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी। सीधा सीधा पढ़ते में ही समझ में आ रहा है कि शेयर होल्डर्स की इक्विटी पे हमें कितना रिटर्न मिलेगा, तो वो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और एवरेज टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी और नेटवर्थ, यानी कि जो हमारा एवरेज टोटल शेयर है ना शेयर होल्डर्स, एवरेज टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब एवरेज हम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस में क्लोजिंग शेयर होल्डर्स इक्विटी, क्लोजिंग शेयर होल्डर्स
ओपनिंग शेयर होल्डर्स इक्विटी और क्लोजिंग शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब साल की शुरुआत में कितने शेयर होल्डर्स इक्विटी वाले हैं और साल की एंड में कितने इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, तो उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय टू अगर हम कर देंगे तो हमारा एवरेज टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी आ जाएगा। अब जो हमारा लास्ट पेज है ना उस पर हमें यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि अगर हमारा प्रॉफिट क्या है, अगर हमारा प्रॉफिट होता है हमें पांच रुपए का बोल रही हूँ मैं, 5 करोड़ का अगर हमें क्या होता है प्रॉफिट होता है ना, और उसमें हमारा अगर क्या है जो हमारा एवरेज शेयर होल्डर प्राइस है, नेटवर्थ है, जो हमारी एवरेज टोटल शेयर होल्डर इक्विटी है वो कितने की है, वो है अगर हमारी मैं आपसे कहूँ, मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन हो रखी है आप निगलेक्ट कर देना। तो यहाँ पे देखो कि अगर हमारा क्या है, हम क्या निकाल रहे हैं, शेयर होल्डर इक्विटी निकाल रहे हैं, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी। तो अगर हमारा टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है वो अगर हम देखें, हमारा नेट प्रॉफिट हो रहा है अगर हमारा 5 करोड़ रुपए का है ना, और उसमें से अगर हमारा एवरेज टोटल शेयर होल्डर इक्विटी अगर हम कितना आ रहा है, अगर हमारा आ रहा है वो 38 करोड़ का है ना, कि साल की शुरुआत में कितने हमारे इक्विटी होल्डर्स थे और शुरुआत की एंड में कितने होल्डर्स थे, और इन दोनों का अगर हम क्या करते हैं डिवाइड कर दे टू से, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दे टू से, तो हमारा एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी आ जाता है। तो अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 अंदर आ जाएगा और 38 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पहले हम पॉइंट लगाएंगे, तो 38 वन जगह हो जाएगा हमारा 38, माइनस करेंगे तो ये जगह 4 और 10, यहाँ पे बचेगा हमारा 2 और यहाँ पे 1। तो अब अगर हम यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 38 3 जा हमारा क्या होता है 114। तो ऐसे अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 1 और ये जगह 10 और ऐसे 6 और ऐसे ही आगे कंटिन्यू होता रहेगा। तो अब अगर हम 0.13 का परसेंटेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13%। तो अब जो हमारा रिटर्न आया वो कितने का आया, वो आया हमारा 13% का, यानी कि जो हमारा शेयर होल्डर्स इक्विटी है उस पे हमने कितना रिटर्न कमाया, उस पे हमारा रिटर्न आया 13% का। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो है वो कंपनी की अभी ग्रोथ चल रही है, जो भी हमारी शेयर होल्डर इक्विटी है उस पे जो हमने जितना भी हमने अमाउंट जो है शेयर होल्डर इक्विटी की वो यहाँ पे क्या थी 5 करोड़ रुपए थी। तो 5 करोड़ रुपए का क्या आया हमारा 13% का यहाँ पे हमने रिटर्न जो है या फिर प्रॉफिट जो है वो हमने यानी कि कंपनी ने क्या था यहाँ पे अर्न किया है। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और दे रखा है, इसके बाद हमारा चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है अ कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर हैज ओनली अ रेसिडुअल क्लेम on profit and assets of a firm that is only after claim of creditors and preferential shareholders are fully met the equity shareholder receive a distribution of profit and assets in liquidation a measure of his well being in reflected by return on equity there are several other measures to calculate return on shareholder equity of which the following are the stock market related ratios। तो यहाँ पे मैं क्या दे रखा है कि जो शेयर होल्डर होते हैं ना, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें जो रिटर्न है वो सबसे लास्ट में मिलता है, यानी कि वो कहने को तो ओनर होते हैं लेकिन जो प्रॉफिट है वो अपने नाम पे क्लेम कर लेते हैं कि हाँ हम इस कंपनी में ओनर है, हमने इसकी इतनी इक्विटी खरीद रखी है, लेकिन उनका जो रिटर्न है शेयर होल्डर्स जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें जो रिटर्न मिलता है वो एट लास्ट मिलता है, सबसे आखिरी में मिलता है। सबसे पहले जो रिटर्न है वो किसे मिलेगा, जो हमारे डेप्ट होल्डर्स होते हैं या फिर जो और जो हमारे बॉन्ड होल्डर्स होते हैं ये सब जो होते हैं वो सबसे पहले क्या लेते हैं रिटर्न लेते हैं, लेकिन जो शेयर होल्डर वाले होते हैं जो इक्विटी होल्डर्स होते हैं उन्हें जो है वो सबसे लास्ट में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मिलता है, यानी कि सबसे लास्ट में जो है सबसे जो भी लास्ट में पैसा बचता है, जो भी प्रॉफिट लास्ट में जो कंपनी का बचता है वो किसे मिलता है शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो वो किसे मिलता है लिक्विडेशन में, यानी कि इन कैश उन्हें मिल जाता है। तो अब यहाँ पे जो है इन चीजों को मेजर करने के लिए काफी ज्यादा फॉर्मूले दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमें 2 फॉर्मूले दे रखे हैं, एक दे रखा है अर्निंग पर शेयर और दूसरा दे रखा है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अर्निंग पर शेयर को हम ईपीएस भी बोलते हैं। तो ईपीएस मेजर द प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर पर शेयर दैट इज द अमाउंट दे कैन गेट ऑन एवरी शेयर हेल्ड। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द प्रॉफिट अवेलेबल टू द शेयर होल्डर बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। द प्रॉफिट अवेलेबल टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर अराइव्ड एट द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। तो ईपीएस का फॉर्मूला आता है नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू द शेयर होल्डर नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग।
तो अब ईपीएस क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। तो अगर मैं आपको अर्निंग पर शेयर के बारे में बताऊं तो अर्निंग पर शेयर क्या होता है हमारा, अर्निंग पर शेयर का मतलब हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि पर शेयर पर कंपनी कितना अर्न कर रही है, यानी कि हर एक शेयर पर एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद जो है वो कंपनी कितना रिटर्न कमा रही है, कितना प्रॉफिट कमा रही है, यानी कि उसके पास जो हर एक शेयर है ना उस पर कंपनी कितना अर्न कर रही है, कितना कमा रही है, वो ही हमारा अर्निंग पर शेयर होता है। तो अर्निंग पर शेयर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसे हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट। देखो अगर मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊं यहाँ पे बुक में, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू द शेयर होल्डर, यानी कि उसके पास शेयर होल्डर के पास नेट प्रॉफिट कितना है वो, और नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग, यानी कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो है ना, और नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स यानी कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ईपीएस का एग्जांपल हो जाएगा कि अगर समझो कि हमारे पास जो शेयर होल्डर के पास जो नेट प्रॉफिट है वो कितने का है, अगर वो 100 करोड़ रुपए का है ना, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, अगर नंबर ऑफ शेयर्स है 10 करोड़, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ईपीएस क्या आ जाएगा, हमारा ईपीएस आ जाएगा 10, यानी कि वो अपने पर शेयर पर 10 रुपए जो है वो कंपनी कमा रही है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ईपीएस जो है वो यहाँ पे एक शेयर पर वो कंपनी कितना कमा रही है, इसे ही को हम बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। अब जो अर्निंग पर शेयर है ना, और जो ये प्राइस क्या बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर है और नंबर ऑफ शेयर्स है, आपस में उल्टे चलते हैं, यानी कि अगर हमारे नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होंगे तो हमारा ईपीएस कम होगा। कैसे, अगर मैं कहूँ कि ईपीएस है, अब अगर हमारे 100 करोड़ क्या थे, यहाँ पे हमारी अमाउंट थी है ना, नेट प्रॉफिट था शेयर होल्डर के पास, और अगर हमारे नंबर ऑफ शेयर्स 50 करोड़ है, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो ईपीएस क्या आ जाएगा, ईपीएस आ जाएगा यहाँ पे हमारा 2 रुपए है ना, 2 रुपए आ गया। लेकिन अगर हम कहें कि अगर हमारा ईपीएस क्या है, ईपीएस तो 100 करोड़ ही है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। अब कम कैसे कर दिए, कि जो कंपनी होती है वो बायबैक ऑफ शेयर्स करती है, हमने पहले ही पढ़ रखा है ना, हमने चैप्टर 8 में आई थिंक हमने पढ़ा था। तो बायबैक यानी कि कंपनी वापस अपने शेयर्स को खरीद लेती है, तो पहले समझो उसके पास 10 करोड़ थे, अब उसने क्या करा, उसमें से 5 करोड़ अपने पास खरीद लिए, तो अब अगर मैं डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा, ईपीएस आ जाएगा यहाँ पे हमारा 20 रुपए। तो यानी कि अगर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो ईपीएस कम होगा, और अगर ईपीएस बढ़ेगा तो नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे। तो बस ईपीएस इतना ही है कि हमारा जो अर्निंग पर शेयर है, यानी कि हम पर शेयर पर कितना कमा रहे हैं, वही क्या हो जाता है, हमारा ईपीएस हो जाता है। वैसे बस इतना सा ही ईपीएस नहीं होता, और भी ईपीएस में बहुत कुछ होता है जो हम क्या करेंगे, अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब जो हमारा लास्ट है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब होता है कि हमें अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब है कि अगर मैं 1 रुपए कमाना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे पहले कितना पैसा देना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं एक दुकान खरीदती हूँ, तो अगर मैं सीधी सीधी सी बात, अगर मैं दुकान खरीद रही तो मुझे उससे प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन उस दुकान को खरीदने के लिए पहले मुझे 10 लाख 20 लाख या 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे ना। तो वही यहाँ पे है कि अगर मैं यहाँ पे कंपनी में, स्टॉक मार्केट में या फिर किसी कंपनी से अर्न करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे पहले कितना पैसा देना पड़ेगा। अर्निंग पर शेयर पीई रेशियो हमारा यही होता है। और फॉर्मूला दे रखा है मार्केटर आइस पर शेयर और ईपीएस। तो अर्निंग पर शेयर अगर मैं आपको यहाँ पे समझा रही थी, तो अगर मैं आपसे कहती हूँ, सॉरी अर्निंग पर शेयर नहीं, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस टू अर्न रेशियो, यानी कि अगर एक कंपनी में हम प्राइस टू अर्न पीई रेशियो हम क्यों देखते हैं, पीई रेशियो हम इसलिए देखते हैं कि अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे 1 रुपए कमाने के लिए कितने रुपए पहले देने पड़ेंगे, तो वो हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो में देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या था इसका, मार्केटर आइस प्राइस शेयर और ईपीएस। ईपीएस तो हमारा ये अभी हमने निकाला था, वो तो आप समझ ही गए होंगे है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये मार्केटर टू आइस प्राइस शेयर, आइस पर शेयर क्या है कि जो करंट प्राइस ऑफ शेयर है ना, करंट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा पीई रेशियो आ जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर हमारा करंट शेयर प्राइस क्या है, करंट शेयर प्राइस है हमारा समझ लो 200 रुपए है ना, और अगर हमारा ईपीएस क्या है, ईपीएस है अगर हमारा मैं आपको कहूँ कि 20 रुपए का, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, यानी कि पीई रेशियो आ गया मुझे 10 रुपए, यानी कि मुझे 1 रुपए कमाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, 10 रुपए यहाँ पे कंपनी वालों को या फिर इन्वेस्ट करने के लिए पहले 10 रुपए देने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमें ये जानना है कि हमें अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें 1 रुपए कमाने के लिए पहले 10 रुपए यहाँ पे हमें इन्हें पे करने पड़ेंगे। अभी हम क्यों यूज करते हैं, अर्निंग टू पर
प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसलिए यूज करते हैं ताकि हम ये पता कर सके कि हम अगर आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें फ्यूचर में हम बेनिफिट होगा तभी तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। सुने ना अपने फालतू में हम बेकार अपने 10 रुपए देंगे सिर्फ 1 रुपए कमाने के लिए। इससे हम ये करते हैं कि आप आज हम इस ए कंपनी में लगा रहे हैं बी कंपनी में लगा रहे हैं तो पहले तो कौन सी कंपनी, पहले तो इंडस्ट्री सेम होनी चाहिए दोनों की, अलग अलग इंडस्ट्री नहीं कि यहाँ बैंकिंग सेक्टर है या ऑटोमोबाइल सेक्टर है या फार्मेसी सेक्टर है, पहले तो एक ही सेक्टर लेना है। उसके बाद हमें चेक करना है कि हम कौन सी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करें ताकि हम इन फ्यूचर क्या कर सकें, प्रॉफिट कमा सकें। तो अब जैसे मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे ये घर है और ये एक घर है, घर छोड़ो ये कंपनी है ये कंपनी है, अब आप कौन सी को खरीदना चाहोगे? इसे खरीदने के लिए आपको 100 करोड़ देने पड़ेंगे और इसे खरीदने के लिए आपको 150 करोड़ देने पड़ेंगे। तो आप देखोगे कि सीधी सीधी सी बात है, मैं 100 करोड़ वाली खरीद लूंगा, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो है अगर आप इसे खरीदोगे तो इससे आपको कितना मिलेगा, इससे ये आपको सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़ कमा के देगी, ठीक है। या फिर और अगर आप 150 करोड़ वाली खरीदोगे तो ये आपको 300 करोड़ कमा के देगी। तो जैसे हम दुकान खरीदते हैं कि ये 10 लाख की दुकान है, ये मेन मार्केट से पीछे है, और ये 10 लाख ये 15 लाख की दुकान है, ये मेन मार्केट में है, तो ऑब्वियस ही बात है कि मेन मार्केट वाली दुकान जो है वो ज्यादा चलती होगी। तो अगर उसके प्राइस ज्यादा है तो क्या हो गया, कम से कम वो हमें वैल्यू इंक्रीज करके तो देगी ना। आज अगर मैं उसे 15 लाख में खरीद रही हूँ लेकिन वो इन फ्यूचर तो मुझे ज्यादा ही बेनिफिट देगी ना उस 10 लाख वाली से। तो वो पीई रेशियो हमें यही बताता है कि हमें कौन, ये हमें सिर्फ प्राइस नहीं, ये हमें वैल्यू बताता है कि हमें कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करके हम ज्यादा वैल्यू कमा सकते हैं। तो अब हमें ये पीई रेशियो वैसे आपके लेवल पे 10th क्लास में तो इतना ही है कि जो हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो, 1 रुपया कमाने के लिए हमें कंपनी में कितना रुपए देने पड़ेंगे, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा तब हम ये खरीदेंगे। लेकिन 12th में और 11th-12th में ये है, इसे हम ज्यादा डीप में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा और पूरा चैप्टर भी हमारा कम्प्लीट हो गया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैंने सारा पढ़ा दिया है, थ्योरी कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया है और जो है पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ साथ क्लास 10th के सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए, क्लास 10th की FMM हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब जो हमारी इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है वो भी मैं कुछ दिनों में डाल दूंगी, तो वो भी आप पढ़ लेना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।